दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी ड्रोन को जब्त कर लेने पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल चीनी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी ड्रोन को 15 दिसंबर को जब्त कर लिया था। इस घटना के बाद ट्रंप ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जिस अमेरिकी नौसेना के समुद्र के अंदर चलने वाले अंडरवाटर ग्लाइडर को चीन ने दक्षिण चीन सागर में जब्त किया है, अमेरिका को चाहिए कि वह उसे चीन को ही रखने दे। अमेरिकी सेना की इस घोषणा के बाद कि अंडरवाटर ग्लाइडर की वापसी के लिए वे चीन के साथ एक समझौते पर पहुंचे हैं, ट्रंप ने ट्वीट किया कि हमें चीन से कहना चाहिए कि जिस ड्रोन को उन्होंने चुराया है वो हम वापस नहीं चाहते, इसे उन्हें ही रख लेना चाहिए। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अनुसार दक्षिण चीन सागर में कुछ वैज्ञानिक आंकड़े एकत्रित करने के दौरान इस ड्रोन को जब्त कर लिया गया था। इस इलाके पर चीन अपना दावा पेश करता है। अमेरिका ने चीन से इस ड्रोन की वापसी की मांग की थी और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में इसे एक गैर कानूनी तरीके से जब्ती बताया था। इस मामले में चीन का कहना है कि जहाजों के सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए चीन की सेना ने इस अंडरवाटर ग्लाइडर को जब्त किया था, लेकिन वह इसे वापस दे देगा। बहरहाल अभी इस बात का तत्काल पता नहीं चल पाया है कि चीन के साथ इस समझौते पर नव निर्वाचित राष्ट्रपति के ट्वीट का क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां एक तरफ अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ओबामा ने चीन से ड्रोन की मांग की है, वहीं नव निर्वाचित राष्ट्रपति ने चीन को चोर बताते हुए ड्रोन को अपने पास रख लेने की बात कही है। ट्रंप की इस बात से साफ है कि उनकी नीतियां ओबामा से कुछ अलग रहने वाली हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।